हेलो फ्रेंड्स, गुंजन किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आटा और सूजी के नाश्ता। मैंने एक कटोरा लिया है, इसमें मैंने गर्म पानी करके रखा है। इसमें एक कप के करीब मैं सूजी डालूंगी। इसको मिक्स कर लेंगे। एक कप मैं आटा लूंगी इसी कप से। इसमें डालेंगे अजवाइन, आधा चम्मच नमक। इसको हम मिक्स कर लेंगे। 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। पहले से मैं गाजर को कद्दूकस कर लिया है और पत्ता गोभी को भी कद्दूकस कर लिया है। शिमला मिर्च को बारीक काट के रखा है मैंने, छोटा मीडियम। प्याज मैंने भी काट लिया है। फ्राई पैन रखेंगे गैस के ऊपर, गैस को ऑन कर देंगे। इसमें डालेंगे तेल, जीरा, प्याज डालेंगे, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, गाजर, आधा चम्मच नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर आधा चम्मच के करीब, लाल मिर्च। इसमें जाएगा रेड चिली, सोया सॉस। मिक्स करेंगे। मैगी मसाला लास्ट में डालेंगे, टमाटर सॉस। मिक्स कर लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। ठंडा होने के लिए इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। प्लेट में निकाल लेंगे इसको। फ्राई पैन ले लिया है, इसमें डालेंगे तेल। 10 मिनट हो चुका है, बनाना स्टार्ट करते हैं। तेल को चारों तरफ फैला लेंगे। इसमें डालेंगे बैटर, चारों तरफ फैलाएंगे। इसको मैंने पलट दिया है। इसके ऊपर हम जो बनाया हुआ मसाला है वो डालेंगे। इसमें डालेंगे वाइट सॉस, इसको हाथों से रोल बनाएंगे। ऐसे ही मैं सारा बना लूँगी, चारों तरफ फैलाएंगे। इसके ऊपर मसाला लगाएंगे, वाइट सॉस लगाया है। अब इसको रोल बनाएंगे। नाश्ता बनके रेडी हो गया है। आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, बहुत पसंद आएगा उनको। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। थैंक यू।